बाकी बड़े लोगों के मन में क्या चल रहा है वो भी तो जानने समझने की कोशिश करो, शायद उससे कुछ फायदा हो जाए। मेरा जान के कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं, मुझे रोज आप सुनते हैं, लेकिन ये कोशिश की है वरुण ने दुनिया भर में बड़े बड़े लोगों के मन में क्या चल रहा है ये जानने की, है ना इंटरेस्टिंग। बता सकते हैं किसके मन में झांक के देखा है वरुण ने, एनी आइडिया? कल मैंने हिंट दिया था, कल हिंट दिया था, बग्गा साहब से बात भी कर रहे थे, लोग तो सारे इसी बिजनेस में हैं। सही जवाब। कल बग्गा साहब से मैं पूछ रहा था कि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से जो एक सर्वे हुआ है फंड मैनेजर्स के, सारे फंड मैनेजर्स में, और उनमें उन्होंने ये कहा है, क्या कहा है मैं क्यों बताऊं, वरुण ही बताएंगे, वरुण बताइए क्या कहा है। तो अनिल जी, इन्होंने तो ये कहा है कि ऑप्टिमिज्म जो है वो रिकॉर्ड लो स्तर पे है, आई मीन टोटली पेसिमिज्म जो मूड है वो बन चुका है मार्केट में, और फंड मैनेजर का जो इन्होंने सर्वे किया वहां से इनको मायूसी हाथ लगी है बेसिकली, अगर इस रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ के देखे तो। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि जब तक इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड्स जो है वो हाई पे रहेंगे तब तक मार्केट स्लो पे रहेंगे, ये तो आप मान के ही चलिए, तब तक मार्केट में गिरावट आती रहेगी। जब तक बॉन्ड इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड हाई पे रहेंगे तब तक मार्केट लो पे रहेंगे, है ना, ये सबसे पहले उन्होंने कहा है। अगला इन्होंने कहा है कि जो मुनाफे का आउटलुक है बेसिकली 2008 के बाद सबसे निचले स्तर पर ये पहुंच चुका है, इनफैक्ट जून 2008 के बाद स्टैगफ्लेशन का जो दर है वो सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। इन्होंने फंड मैनेजर्स का जो बेसिकली इन्होंने सर्वे किया उसमें 83% फंड मैनेजर्स मान रहे हैं कि इस साल आपको स्टैगफ्लेशन देखने मिलेगा, बेसिकली जहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा हो, ग्रोथ नहीं हो, उस टाइप की स्थिति जो है वो आपको देखने मिल सकती है। मजबूत इकोनॉमी की जो ग्रोथ की उम्मीद है 1994 के बाद सबसे निचले स्तर पे है, ये सर्वे कहता है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि मई 2020 के बाद निवेशक जो है इक्विटी में सबसे ज्यादा अंडरवेट जो है वो अब नजर आ रहे हैं, निवेशक जो है वो कैश, डॉलर, हेल्थ केयर, कमोडिटी, एनर्जी जैसे सेक्टर्स जो है उन पे थोड़े बहुत बुलिश है, लेकिन बॉन्ड्स, टेक स्टॉक, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यूटिलिटीज, इक्विटी पे खासकर बेरिश है। अच्छा क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं। अच्छा क्या बोलूं, कैश है, अच्छा अभी तो फिलहाल और कुछ नहीं है, उस पे ही बुलिश है सबके सब। कैश इज किंग। अच्छा ये है कि जब इस तरह के माहौल में पहले भी तो ऐसे सर्वे आए होंगे, उसके बाद क्या हुआ? देखो है तो सर्वे तो इंसानों के बीच में ही किया गया ना, भावनाएं तो सबकी एक जैसी होती है, राइट। तो क्या ऐसा समझा जाए कि इस सर्वे में जब सारे के सारे फंड मैनेजर्स इतने बेरिश हैं, सब खराब है, तो क्या फिर मार्केट बॉटम बनने के नजदीक पहुंचता है? एक ये सर्वे भी करके देखिए, पुराने 3-4 सर्वे निकालिए, जब जब इस तरह की सिचुएशन आई उसके बाद बाजार कैसा रहा है, ठीक है, ये है ना, सर्वे का भी सर्वे कर डालिए, बिल्कुल जी। इतने सर्वे क्योंकि क्या ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, आमतौर पर जब राय बहुत एक तरफा बन जाती है और बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक वाली होती है तभी मार्केट बॉटम बनता है, लाइफ टाइम हाई तो तभी बनता है ना जब सब लोग बुलिश हो, सब बुलिश हो, एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली, जब सब लोग बेरिश हो उस दिन तो कभी लाइफ टाइम हाई नहीं बना सकते, वैसे सब लोग बेरिश हो उसी दिन तो बॉटम बनेगा ना, बनना तो चाहिए, करेक्ट, सही बात है। तो इतने सारे ज्ञानी लोग सब लोग इतने बेरिश हो रहे हैं है क्या, देखते हैं जी। जैन साहब विशेष टिप्पणी आपकी? जानना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल सही बोल रहा है, बहुत ज्यादा कंसेंसस हो गया है, बट फिर भी जो आपने बोला ना सर्वे ऑफ सर्वेस ऐसे होने के बाद कितने दिनों तक रहता, बट जनरली जो मैंने इतने सालों में देखा 2-2.5 साल जब भी कोई बड़ी मंदी रहती है इस तरीके से रहती है, और निफ्टी ऐसा है कि मैं पी मल्टीपल का देख रहा था, ऐसा नहीं है चार्ट देख रहा था, तो इवन एक बार ये 10 के लगभग भी गया 2003 में, 2001 में भी ये नीचे गया है, सो ओवरऑल बहुत डिफिकल्ट है। और ये जो मैं अभी बीच में भी जब मैं कमेंट्री में बोल रहा था कि जब तक ये ब्याज की रेट, ये बॉन्ड यील्ड्स, इन सब का एक फंक्शन है ये पी मल्टीपल भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्याज की रेटों को देखना जरूरी है, इन्फ्लेशन, ब्याज की रेट, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चलो ऊपर नीचे हो जाएगा, बट ओवरऑल इन्फ्लेशन और ब्याज की रेट और डॉलर इंडेक्स जो सबसे बड़ा एलिफेंट है रूम के अंदर, वह डॉलर इंडेक्स जो कि 105 के लेवल्स पे है, जनरली 90-92 के लगभग रहता है, तो ये सब चीजों को देखते हुए लगता है कि अभी समय लगेगा, पेन बहुत बाकी है, छोटे मोटे बाउंस आ जाए बात अलग है, बट ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल मैं भी नहीं हूँ, और ये सर्वे जो कह रहा है शायद यही रीजन है, अब देखते हैं कब तक ये रहता है। तो कोई भी नहीं है इस समय और बाजार का मूड माहौल आपको वो दिखा भी रहा है, वापस 15,400 के नीचे आया, हल्की हल्की रिकवरी अटेम्प्ट करता है, वापस उस लेवल के नीचे कर जाता है।